अस्सलाम वालेकुम जी। तो आपको अपने टेक टेक्नोलॉजी यूट्यूब चैनल की एक और नई वीडियो में शामिल करें जी। यार वो ना मैंने जो है वो आपको शार्ट में बताया था कि जो है वो मैंने कुछ जो है वो सेल जो गहरा गहरा सेल है उसमें जो है कुछ प्रोडक्ट्स ऑर्डर किए हैं। तो उसमें एक शर्ट थी और जो है वो एक वॉच थी, तो उसकी जो अनबॉक्सिंग की वीडियो वो मैं जो है वो वीडियो में ऐड कर दूंगा। जो है पार्सल आ चुके हैं जो मैंने जो है ऑर्डर किए थे, तो अभी जो इनको ओपन करके चेक करते हैं कि जो है क्वालिटी पे जो है कंप्रोमाइज़ है कि नहीं है, क्योंकि जो सेल में चीज़ें होती हैं फिर उनका जो है वो प्रॉब्लम होती है। तो मैंने इसलिए जो है आपको चेकआउट कराने के लिए जो है ये वीडियो बनाई है। तो ये आप देख सकते हैं इसमें जो कलर है वो तो काफ़ी जो है स्मूथ है, अच्छा कलर है। तो जो इसका स्टफ़ है वो भी जो है काफ़ी अच्छा है। तो बाकी अभी जो दूसरी है ये वॉच है, तो इसको भी जो है खोल के चेक कर देते हैं कि इसमें जो है वो क्या चीज़ निकलती है। तो देख लेते हैं, तो इसकी जो पैकिंग है वो काफ़ी अच्छी जो है की गई है। उसके ऊपर जो है वो वॉच का जो है मॉडल भी मेंशन किया गया है, D81 है। तो इसका जो है ओपन करके तो फिर जो है देखते हैं। तो यार ये आप देखते हैं काफ़ी पैकिंग जो है काफ़ी अच्छी सरप्राइजिंग पैकिंग है। तो ये आप देख सकते हैं, तो इसका जो ऊपर जो बॉक्स है वो भी काफ़ी खूबसूरत है। तो ये अंदर से जो है वॉच निकली है, तो इस पर जो है गोल सोल में ये मौजूद है। तो साथ में इसका जो है स्ट्रैप है, तो इस पर जो है मैं बाकी जो है आपको सारा जो है डिटेल में इसका जो है रिव्यू दूंगा वीडियो में। तो मैंने जो है इसका आपको अनबॉक्सिंग दिखा दी है, तो बाकी मैं जो आपको आगे वीडियो में जो है सारी डिटेल जो है ऐड कर दूंगा। तो जो आज वो चीज़ें जो प्रोडक्ट मंगवाए थे उनकी जो है मैं आपको स्टोरी बताता हूँ कि सेल की जो असलियत क्या होती है। तो आज हम जो है इसी के बारे में बात करेंगे। तो क्या अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब कर ली। क्या क्या बोला तूने? नहीं पहले क्या बोला? चल चल चलो जाके इलाज कराओ। यार ये बड़ी ज्यादती है, आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब किया करें ताकि आपको हमारे अंदर हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप नोटिफिकेशन बार में मिल सके। तो जी चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। हाँ जी, तो यार वो जो ऑर्डर तो मैंने किए थे दो चीज़ें, दो प्रोडक्ट थे। तो जब मैंने उसके जो है एक वीडियो का जो है वो मैंने ऐड उसमें, तो जब मैंने उसे जो है अनबॉक्स किया तो जो पहली जो शर्ट थी तो साथ में जो है वॉच थी। तो सबसे पहले अगर शर्ट पे आ जाते हैं तो शर्ट में जो है मुझे जब मैंने अनबॉक्स किया है तो उसमें जो है काफ़ी अच्छी जो है स्टफ लगा और काफ़ी जो है एक बेहतरीन चीज़ लगी। लेकिन इसके बाद जो है जब उसे जो है थोड़ा सा इसको थोड़ा जो है पहन के चेक किया तो बाकी उसके ऊपर जो वो राइटिंग थी तो उस पर जो है वो उसको हल्का सा जो है वो हाथ जो जोर से उसको जो है दबाया तो जो पेंटिंग थी वो भी उतर गई। तो शर्ट का जो स्टाफ है वो काफ़ी ज़्यादा यार बुरा स्टाफ। जैसे होता है ना कि बिल्कुल जो आप उसे खींचते हैं ना तो वो बिल्कुल जो है ना जो है एक पैसे खराब करने वाली बात है। तो उसको जब आप खींचते हैं तो वो फटने की जो है हालत में आ जाती है। तो काफ़ी ज़्यादा जो है वो एक बुरी चीज़ थी। तो जो शर्ट थी वो तो चलो का एक जो है साइड पे अगर प्रोडक्ट कर लेते हैं तो शर्ट जो है उसकी तो क्वालिटी यार बहुत ही यार जो है ना बुरी किस्म की थी। तो उसमें तो मुझे पहले तो जो है मैंने उसे जब अनबॉक्स किया तो मुझे लगा कि जो है काफ़ी अच्छी जो है ये चीज़ है। लेकिन बाद में वो कुछ भी जो है उसका जो चीज़ अच्छी नहीं थी, बिल्कुल भी अच्छा नहीं था। जो उसके ऊपर जो है वो ब्रांडिंग थी वो भी बिल्कुल जो है थर्ड क्लास ब्रांडिंग थी। तो कुछ भी जो है उसमें सरप्राइजिंगली नहीं था, तो पहनने का तो बिल्कुल ही काबिल नहीं है। क्योंकि तो मैंने ऑलमोस्ट शायद स्मॉल मीडियम जो है मैंने ऑर्डर की थी, तो जो मैंने जब पहनी तो वो मीडियम भी नहीं थी, स्मॉल भी स्मॉल थी। ऑलमोस्ट स्मॉल भी जो है वो ठीक तरीके से जो है वो नहीं थी। तो साइज में जो है गड़बड़ थी, तो बाकी स्टाफ वगैरह में जो है काफ़ी ज़्यादा उसमें जो है प्रॉब्लम था। तो नेक्स्ट पे आ जाते जी, तो वॉच थी, वॉच का जो मॉडल था D81 जो है उसका मॉडल था। तो ऑलमोस्ट जो है 1500 की वॉच थी। तो जब उसे जो है अनबॉक्स किया तो उस टाइम पे जो है नहीं पता चला। तो साथ में जो है वो उसके स्ट्रैप जो है वो तो उसके साथ आते ही ऐसे हैं, तो वो उसमें जो है वो अगर आप अलहदा खरीदते हैं तो वो उसमें लगते ही नहीं है, वो इसमें लगते हैं। तो अगर उसके जो है वो चीज़ों पर आ जाते हैं तो सबसे पहले तो स्ट्रैप को साइड पर कर लेते हैं। बॉक्स का जो पैकिंग थी वो अच्छी थी दराज की तरफ से, कि कोई डैमेज वगैरह ना हो। उसका जो है पहले जो दराज की अपनी रैप था, उसके बाद जो है एक ओवर रैप था, उसके बाद एक ऊपर बॉक्स था, उसके नीचे जो है वो वॉच का बॉक्स था। तो उसमें जो है काफ़ी अच्छी जो है उन्होंने पैक की हुई थी। लेकिन अब मैं जो आपको एक बात बताता हूँ कि जो वॉच के साथ जो है असली जो है काम हुआ क्या है। तो जो वॉच थी उसको जो है वो हमने ऑन किया, उसके जो है वो दरमियान में एक जो है वो टच वाला जो बटन था वो दिया गया। तो उसमें जो एक चीज़ थी, तो उसमें अगर देखा जाए तो बिल्कुल ही जो है वो
पास की जो क्वालिटी थी तो वो तो बिल्कुल जो है वो थर्ड क्लास क्वालिटी थी। तो बाकी अगर देखा जाए तो यार पैसे इतने ज़्यादा नहीं थे, मैं 1500 में कौन सी वॉच मिलती है वो स्मार्ट वॉच, वो एक ट्राई करने के लिए जो आपको इनकी जो रियलिटी सेल की दिखाने के लिए मैंने जो ऑर्डर की थी, तो 1500 के लिहाज से भी इसकी जो है क्वालिटी किसी काम की नहीं थी। तो बाकी जो असली बात है वो आने नहीं हुई। चार्जिंग लगाई जो है पहले तो निकाली तो मैं लगा कि इसकी जो है वो चार्जिंग शायद नहीं होगी, तो चार्जिंग लगाते हैं, तो 1-1.5 घंटा जो है चार्जिंग पर लगाई, तो उसके बाद जो है टेस्ट आउट किया तो वो जो है वो बिल्कुल ही फाल थी, वो जो है वो एक पीस जो है वो खराब पीस जो है उन्होंने सेंड कर दिया था, तो वो तो बिल्कुल जो है वो आने नहीं हुई। तो अभी मेरे पास वो मौजूद नहीं है क्योंकि उसका कबाड़ा हो चुका हुआ पहले से, वो जब निकली थी तो 1 घंटे बाद नहीं चली, तो वो जो है उसका कचरा वगैरह हो गया। कंट्रोल कंट्रोल उदय, तो जो शर्ट था वो भी खत्म हो गई समझ ले, कुछ भी नहीं था उसमें बचा, तो इसलिए मैंने जो उसको सामने लाया नहीं क्योंकि मैंने वो अनबॉक्स में दिखा दी वीडियो में। बाकी अगर मैं आपको ये शेयर की बात करूँ, अब ये मैं नहीं बोलता कि जी सारे प्रोडक्ट जो है घटिया निकलेंगे, ये मैं नहीं बात करता, लेकिन एक काफ़ी हद तक जब ये सेल में ये चीज़ें मिलती है, क्योंकि दराज के जो वैसे प्रोडक्ट सेल के अलावा होते हैं उन पे जो है काफ़ी कोई अच्छा इतना ट्रस्ट जो है वो आपको नहीं मिलता। मैंने पहले भी जो है कुछ चीज़ें जो है वो ट्राई की हैं दराज की जो है सेल के अलावा भी, जैसे कि जो है वो वायरलेस थे, तो एक दो और चीज़ थी, एक दो वॉच भी थी जो पहले जो ऑर्डर की थी, तो ये जो सेल के लिए जो मैंने जो एक डेमो जो है देखने के लिए तो जो है दोबारा इसको ऑर्डर किया, तो जो बहुत अच्छे जो एक प्रोडक्ट जो है वो दराज आपको नहीं देती, कभी कभी है बाई चांस जो आपको बहुत अच्छी चीज मिल जाती है जो कि तेरा बाप यार छोड़कर गया था कि तेरी माँ बहुत अच्छी चलती है। तो इस हवाले से जो है वो मैं आपको एक दो चीज बताना चाहता हूँ, ये टिप भी समझ लें कि आप जो है ना सबसे पहले जो है वो रेटिंग देखा करें और उसके बाद जो है वो यार कमेंट देखा करें। वैसे भी मुझे तो लगता है रेटिंग और कमेंट्स में जो है वो काफ़ी कोई अच्छी चीज़ें नहीं, क्योंकि जिन लोगों की अच्छी चीज़ें निकलती हैं वो तो नीचे पॉजिटिव कमेंट कर लेते हैं, क्योंकि कुछ लोगों को जो है इस चीज़ का पता ही नहीं होता, वो जो है ऑर्डर कर लेते हैं मंगवा लेते हैं, लेकिन उन्हें जो है इस चीज़ का नहीं पता होता कि पॉजिटिव कमेंट्स देखने का, उसकी जो है वो शॉप की रेटिंग देखने का, तो इन चीज़ों का लोगों को काफ़ी ज़्यादा लोगों को जो है इस चीज़ का इलम ही नहीं होता कि ये चीज़ें देख के जो है वो ऑर्डर करनी चाहिए। तो मैंने यार ऑर्डर देख के की थी रेटिंग भी और ये जो कमेंट्स है, तो काफ़ी लोग कैसे कैसे लोग रहते हैं यार यहाँ पर, साला तुमको पागल कुत्ते का गाड़ी उठा के ले जाएगा बता रहे हैं हम। जो वॉचेस थी वो काफी अच्छी जो है डिसेंट जो है क्वालिटी में निकली थी, तो वो चल भी रही थी, तो काम भी वर्किंग भी अच्छी कर रही थी, लेकिन जो मेरी वॉच थी वो तो बिल्कुल फाल थी, वो तो आनी नहीं हुई, तो उसका टेस्ट आउट क्या करना था, अगर वो आनी होती तो जरूर मैं यहाँ पे जो आपको दिखा देता उसके फंक्शन वगैरह के 1500 में आपको क्या मिलता, लेकिन वो आनी नहीं हुई। तो शर्ट जी थी वो बिल्कुल ही बेकार थी, उसमें कोई ऐसी कोई चीज़ नहीं थी दिखाने वाली, तो मैंने बस आपको जो है ये बताने के लिए जो है मैंने वीडियो फिर भी बना दी कि ये तेरा तो गेम बजाना पड़ेगा। इस पे जो है ऑनलाइन जो मार्केटिंग जो है ऑनलाइन जो होती है शॉपिंग, इस पे जो है ज़्यादा ट्रस्ट नहीं करना चाहिए, कोई बहुत ज़्यादा जो इस पे इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए, बहुत ज़्यादा महंगी जो चीज़ है इस पे नहीं मंगवानी चाहिए, छोटी मोटी चीज़ आप मंगवा लें, अगर वो ठीक नहीं भी निकलती तो आप जो है उससे कोई आप जो है नुकसान नहीं होगा, कोई आपको जो पछतावा नहीं होगा इस चीज़ तो। बाकी अगर इसकी बात करते हैं दराज की, तो कोई इतने अच्छे जो मीनिंगफुल प्रोडक्ट है वो यहाँ पे नहीं मिलते, तो मुझे जो काफ़ी ज़्यादा जो है 2-3 दफ़ा जो ये चीज़ें प्रोडक्ट जो है अच्छे नहीं मिले, तो अगर आपको जो है प्रोडक्ट जो अच्छा कोई मिला है तो आप ज़रूर से कमेंट करके बताइएगा, लेकिन मुझे नहीं लगता कि इसकी जो ऑनलाइन शॉपिंग को जो है कोई ट्रस्ट करना चाहिए, क्योंकि बहुत दफ़ा ऐसा होता है कि आप कोई भी ऐसी चीज़ जो है वो ऑर्डर कर लेते हैं तो वो आपकी बहुत अच्छी निकलती है, आपको बहुत अच्छी मिल जाती है, अब आप ये बोलेंगे कि भैया आपके तुम्हारी अच्छी नहीं निकली, तुम जो है वो लोगों को भी जो है दराज को बोल रहे हो कि तुम जो है वो गलत प्रोडक्ट बेचते हो, तो यार मेरा किसी को भी जो है वो टारगेट करने का जो है मतलब नहीं है, लेकिन मैं एक चीज़ को आपको जो है वो साफ साफ बता रहा हूँ कि ऑनलाइन शॉपिंग पे जो है वो इतना ज़्यादा ट्रस्ट नहीं करना चाहिए कि आप जो है बहुत एक्सपेंसिव चीज़ जो है वो ऑर्डर कर लें, जैसे कि फ़ोन हो गया, तो ऐसी चीज़ें जो है फ़ोन भी काफ़ी लोगों को जो है अच्छी चीज़ जो है मिल जाती है, ओरिजिनल चीज़ मिल जाती है, लेकिन फिर बात वो ही आती है कि ट्रस्ट जो है वो आप अपने फिर अपने रिस्क पे कर सकते हैं ट्रस्ट, क्योंकि मैंने जो है ये एक जो है सेल की बात नहीं, वैसे भी अगर मैंने काफ़ी ज़्यादा प्रोडक्ट्स ऑर्डर किए तो वो इतनी मीनिंगफुल क्वालिटी जो है इनकी निकलती नहीं निकलती।
मेरे को इस बार रिक्स लेने का ही नहीं है, बिल्कुल रिक्स नहीं लेने का है। तो इसलिए आप जो है देख के जो है इससे अच्छा आप जो है बाजार में जाए तो उसमें जाके आप जो है वो अपने पसंद की जो वर्किंग चीज है या आपको जो है कुछ गारंटी मिले तो वो चीज जो मैं आपको जो है ऑफलाइन मार्केट जो है ज्यादा प्रमोट मैं करूंगा, ना कि ऑफलाइन जो है ऑनलाइन मार्केटिंग जो है मैं आपको ये शॉपिंग जो है वो आपको जो है वो प्रमोट करूंगा। इसमें ये चीज होती है कि मैं सारे जो है वो यहाँ पे दराज पे जो शॉप्स हैं उनको टारगेट नहीं कर रहा, लेकिन कुछ ऐसी शॉप्स होती हैं जो कि आपको जो है वो कभी कभी तो बहुत अच्छी चीज़ जो है ऑफर कर देती हैं, अच्छी चीज़ आपको अच्छी प्राइस में जो है वो काफ़ी अच्छी बल्कि कम प्राइस में बहुत अच्छी चीज़ जो है आपको देती हैं, लेकिन जो है वो कभी कभी आपको बहुत ही आप ज़्यादा पे करते हैं लेकिन आपको मिलता कुछ भी नहीं है। तो इसलिए जो है ज़रा थोड़ा सा जो है वो देख लिया करें आप कि ये चीज़ें जो है वो आपको कैसे आप देख सकते हैं। तो मुझे तो ये सेल में जो है कुछ कोई इतना अच्छा चीज़ें जो है नहीं लगी कि मैं आपको बोल सकूं कि आप जो है वो ये इतना जो है वो आप कोई बड़ी चीज़ का रिस्क लें, छोटी मोटी चीज़ें जो आप ज़रूर से ऑर्डर कीजिए। तो कुछ चीज़ें जो कि आपको नहीं मिलती ऐसी चीज़ें, क्योंकि कुछ चीज़ें होती हैं जो हमारी ऑफलाइन मार्केट से जो है वो ऑफलाइन मार्केट से जो है वो नहीं मिलती, तो आपको जो है दराज से जो है वो आसानी से मिल जाती है। तो मैं सिर्फ दराज की बात नहीं करता, बाकी भी जितने भी ब्रांड्स हैं उनमें भी जो है वो ये चीज़ें पाई जाती हैं कि कहीं ना कहीं ये गड़बड़ कर जाते हैं। कभी कभी आपको जो है बहुत अच्छी प्रोडक्ट दे देते हैं, कभी कभी आपको जो डेड, क्योंकि अब जो प्रोडक्ट जो मुझे मिली है जो रिसीव हुई है दोनों प्रोडक्ट, क्योंकि ये जो है खुद ये पैक करते हैं, खुद देख के पैक करते हैं, तो जाहिर बात है कोई कंप्यूटर ने तो पैक नहीं की कि पकड़े चीज़ डब्बे में डाली और ऊपर से जो है वो रैप कर दिया, तो इसलिए वो खुद रैप करते हैं, खुद जो है वो इसे दराज जो है इसे वेरीफाई भी करता है। तो इस मुझे नहीं लगता कि इतना जो है वो आपको रिस्क लेना चाहिए किसी जो ज्यादा एक्सपेंसिव चीज का, तो इसलिए थोड़ा लेकिन यार यहाँ में पिघल जो है वो आप देख लिया करें। तो यार दोस्तों इतने इस वीडियो में सिर्फ इतना ही, मैंने सिर्फ आपको जो है वो इस चीज को जो है बताना था कि सेल में नहीं, वैसे भी वो जो ऑनलाइन शॉपिंग है उस पर जो है कम जो है वो आप ध्यान दिया करें, इससे अच्छा आप जो है ऑफलाइन मार्केट में जाएं और जाकर जो है चीज को परचेज करें, ताकि आपको अपना जो है वो एक ट्रस्ट भी हो चीज पे, और आपको जो शायद कुछ जो गारंटी ऑनलाइन शॉपिंग से नहीं मिलती वो ऑफलाइन शॉपिंग से आपको काफ़ी अच्छी गारंटी मिल जाए। क्योंकि अगर आपकी चीज़ ख़राब भी होती है तो आप ऑफलाइन मार्केट में जाके आपको बता सकते हैं, आप जो रिफंड ले सकते हैं, चीज़ को चेंज कर सकते हैं, तो ऑनलाइन मार्केट में ऐसा आपको कोई भी ऑप्शन नहीं मिलता। बहुत ही कम वेबसाइट होती हैं जो कि आपको ये चीज़ें ऑफर करती हैं, तो इसलिए आप जो है वो आप देख लिया करें। तो आज के लिए यार सिर्फ इतना ही, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर किया करें, वो जो लाल बटन है उसको तोड़ें फेंकें जो मर्जी करें, लेकिन यार उसको जो है वो टच जरूर कर दिया करें, सब्सक्राइब जरूर किया करें, और वीडियो को जो है वो लाइक भी किया करें, और जो कमेंट किया करें आपको वीडियो कैसी लगी, और वीडियो को शेयर भी अपने फ्रेंड के साथ जरूर किया करें, ताकि आपका कोई और जो दोस्त है वो इस जैसी कंडीशन में फंसने से पहले जो है वो इस चीज़ को देख ले। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही, मिलते हैं किसी और नई रिव्यू में, किसी और नई अनबॉक्सिंग में। तो यार आज के लिए इतना ही, सिर्फ अल्लाह हाफिज़।